मुस्ताफ अफजल हा आलेला आहे आणि जहागीर तेरावे हे वंशज आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय तर अफजल खानाची कबर ताब्यात द्या असं त्यांनी म्हटलंय। अफजल खानाच्या वंशाची ही मागणी आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। अफजल खान यांचे वंशज न्यू स्टेटवर मुस्ताफ अफजल या जहागीरदार हे तेरावे वंशज आहे आणि अफजल खान यांची कबर ताब्यात द्यावी यासाठी त्यांनी मागणी केलेली आहे। अफजल खान यांच्या वंशजाने ही मागणी केलेली आहे। याविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत। काय अधिकची माहिती आहे? अफजल खान यांचे जे वंशज आहेत ते माझ्या सोबत आहेत। मुस्ताक अफजल मकसूद आपण नाव दुरुस्त करूया। मकसूद अफजल जागीरदार हे माझ्यासोबत आहेत। त्यांनी मागणी केली आहे की प्रतापगडावर जे अफजल खानाची कबर आहे त्याच्यासमोरचं अतिक्रमण काढण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आणि अतिक्रमण काढण्यात आलं आणि एक विवाद निर्माण झाला। हा विवाद इथून पुढे होऊ नये म्हणून ही कबर जी आहे ती आम्हाला द्या, आमच्या ताब्यात द्या, आम्ही तिचं जतन करू जेणेकरून हा वाद मिटला जाईल। माझ्यासोबत मकसूद जी आहेत। मकसूद जी मला सांगा की तुमचं नेमकी काय मागणी आहे आणि आज शिवप्रताप दिन आहे, महाराष्ट्रात हा उत्साह दिवस उत्साह साजरा केला जातोय, हा सगळा वाद नेमका तुम्ही कशा पद्धतीने पाहता? मेरा ये मानना है कि अफजल खान जो 380 साल पहले गुजर गए, जिसको शिवाजी महाराज ने मार के जो है इस्लामिक तरीके से जो खबर बनाए, आज उसकी इज्जत सभी महाराष्ट्र लोगों को करना चाहिए। और ये नहीं कहना चाहिए कि शिवाजी महाराज मिस्टेक करे हैं इसलिए अफजल खान की मज़ार भी वहाँ पे रखना गलत है बोल के बोल रहे हैं। वो मेरे को जो है दिल से बहुत तकलीफ़ हो गई, इसलिए कि मैं ख़ानदान अफजल खान के ख़ानदान वाला हूँ और मेरे से कौन जो है डिमांड कर सकता है कि जो तकलीफ़ हो रही है उसके बारे में ज़रा ख्याल करके, हो सकता है आपको सही दिखा कि जो शिवाजी महाराज अगर मिस्टेक करे हैं अफजल खान को वहाँ पे बरी करने के लिए, तो वहाँ उनके जो डेड बॉडीज जो रिमेन्स जिसे कहते हैं वो वापस अगर दिए तो यहाँ पे जो अफजल खान का जो मकबरा सेनेटॉप है बीजापुर में और आज भी ओपन है, वही सेनेटॉप में जो है ला के वो दफना के जो है इस्लामिक तरीके से उनकी जो है जो ये करना है कंप्लीट, आखिरी कंप्लीट कर सकता हूँ बोल के एप्लीकेशन दिया हूँ। ये एप्लीकेशन किस किस को दिया? मैं एप्लीकेशन कलेक्टर ऑफिस सातारा को दिया हूँ 21/10/2022 को। उसके बाद में जो है महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर को भी दिया हूँ, महाराष्ट्र के गवर्नर को दिया हूँ और ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दिल्ली को भी जो है ये एप्लीकेशन भेजा हूँ। आपने कहा कि आपको तकलीफ होती है लेकिन शिवाजी महाराज को मारने के लिए अफजल खान गए थे और फिर उनको शिवाजी महाराज ने मार दिया, इसमें जो विवाद हो रहा है उसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, वो ज़माने में मज़ार थी, कबर थी, लेकिन उसके आजू बाजू भी तो बढ़ रहे थे। नहीं, बढ़ना वो गलत था, ये बात है कि हम सही है बोल के मैं नहीं बोलता, बढ़ना गलत था, लेकिन क्या मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है फॉरेस्ट एरिया है क्या वो उतने के लिए ग्रांट कर सकती थी? नहीं, क्या एक 100x100 की अगर ज़मीन ग्रांट करके अगर एक मॉन्यूमेंट बना के रखती तो हमेशा के लिए महाराष्ट्र इतिहास में भी जो है ये बताया जा सकता था कि अफजल खान की यहाँ पे मज़ार जो है गवर्नमेंट जिस तरीके से शिवाजी महाराज ने उदारता दिखाई वैसे गवर्नमेंट भी उदारता दिखा सकती थी। क्या वैसे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे थे जो गवर्नमेंट जो है ये करे हस्तक्षेप करके हाईकोर्ट को ये बता सकती है कि मामले को हम सेटलमेंट करेंगे, हम गवर्नमेंट हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत ज़मीन को जो है ये करके रेनोवेट करके फिर से जो है उसको कायम करेंगे बोल के अगर इंटरफेयर करते तो आज वो जो एनक्रोचमेंट ये इसको जो है वो अच्छी तरीके से रखना चाहिए ताकि शिवाजी महाराज का इतिहास लोगों को पता चले।
वो हमेशा के लिए कायम रहता था। आप जब भी आप शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं तो अफजल खान का नाम लेना है। शिवाजी महाराज के बारे में अगर हिस्ट्री लिखते हैं तो अफजल खान की हिस्ट्री लिखना है। अफजल खान भी शिवाजी महाराज के जो इसमें स्किरमिश में आने के बाद में वो भी इंटरनेशनल फिगर हैं। आज जो अगर वहाँ पे प्रतापगढ़ में उनके मज़ार है तो वो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उसको तुम सेव करना है। अब इस तरीके से जो अतराब जो इनक्रोचमेंट हुआ बोल के और तुम जो है पूरा निकालने के बाद में उसके गलीब भी निकाल के फेंकते हैं और दूसरी बात जो है उसको भी उखाड़ के फेंक दो, महाराष्ट्र की ज़मीन गंदी होती है बोल रहे हैं, ये मेरे को तो जो बस सही दिल से तकलीफ हो गई। इसीलिए मैं अकेला जो है ये एप्लीकेशंस दिया हूँ। ये मेरी मांग है कि वहाँ से अगर तोड़ना चाहे तो पूरा तोड़ के करके जो है हमारे कुछ मज़ार में जो भी है दे दो। खाली मज़ार में हम ये करते हैं जैसे शाहजहाँ अपने बीवी के लिए करे थे, ताजमहल में जो है उनके डेड बॉडीज जो शिफ्ट करे थे, वैसे ही अफजल खान की जो है मैं शिफ्ट कर सकता हूँ बोल के, मैं खानदान वाला हूँ मैं शिफ्ट करता हूँ बोल के। अच्छा, यानी वहाँ की जो डेड बॉडी है जो भी है वो आप यहाँ लाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे वहाँ की डेड बॉडी जितना भी खर्चा होगा, जितना गवर्नमेंट इम्पोज करेंगी वो खर्चा दे के मैं डेड बॉडीज जितने भी वो ला के जो है उनके साथ सैयद बंदा के यहाँ पे जो है मज़ारा अभी खाली हैं ये करके जो है पूरे उनके जो है इस्लामिक तरीके से जो है उनकी मैयत करता हूँ मैं। मैं फिर से आपके पास आऊँगा, ऐसा सब बनना है मुश्ताक का अफजल जामीदार ऐसा सब बनना है कि प्रतापगढ़ावर असलेली जी कबर आहे ती कबर आमच्या ताब्यात द्या, तिथले डेड बॉडी आणून आम्ही विजापूर म्हणजे विजापूरच्या इथे असलेल्या जो अफजल खानाने एक मकबरा बनवला होता तिथे एक कबर खाली आहे जी त्यांनी स्वतःसाठी बनवली होती, तिथे आम्ही ही डेड बॉडी तिथे टाकू। आणि जो वाद आहे तो वाद होणार नाही, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जब आप सुनते हैं उसे ये सारी खबरें सुनते हैं तो कैसे लगता? नहीं, तकलीफ ये होती है कि अफजल खान के जो गांव बसाए थे अफजलपुर, हम वहाँ रहते हैं, अफजल खान के तरफ से हमारे को जो है 1040 एकर्स ज़मीन है, आज भी उनके वजह से हमारे नाम के सामने अफजल आता है। हमारा हर फैमिली मेंबर अगर पैदा भी हुआ बोले तो उसका नाम के सामने हम अफजल लगाते हैं, ये परंपरा हमारी है। इतनी बड़ी जो पर्सनैलिटी रखने वाले आज जो है प्रतापगढ़ में जो है एक इससे जो है उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो बेहतर है ला के अगर इस्लामिक तरीके से यहाँ पे अगर ये करे तो हम लोगों को भी जो है तसल्ली होगी और मरहूम के जो मरने वाले की है आत्मा को भी शांति मिलती बोल के मेरा कहना है। आपने ये सारी बात चीज़ें आपके जहन में कैसे आए कि वहाँ की जो बॉडी है वहाँ यहाँ लाने की? नहीं, मैं इससे पहले भी सोच रहा था क्योंकि वो जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्डर हो गया उसके बाद में मैं भी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जो है वो स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने के लिए गया था, तो उसके बाद में जो फॉलो अप था वो सही नहीं था, उसके लिए मैं ये सोचा है कि भाई कैसा भी आर्डर हाईकोर्ट का आर्डर हो गया हम तो चैलेंज नहीं कर सकते, हम कर्नाटका में रहते हैं, बेहतर है वो ये मांग करना कि जो है वो पूरा भी गिरा के डेड बॉडीज रिमेन्स अगर दिए तो हम उसको जो है बरी कर सकते हैं बोल के मैं पहले से सोचा था। जाके एक बार टाइम नहीं मिला, मैं वापस आया, लेकिन वो एक महीने के हादसे में ये होने के बाद फिर से मेरे को जो है एप्लीकेशन में थोड़े अमेंडमेंट करके फिर मेरे को एप्लीकेशन देना पड़ा। अब इसके लिए कोर्ट में भी जाएंगे अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुनती? हाँ, इफ द गवर्नमेंट सेज दैट वी आर हैविंग द एब्सोल्यूट पावर टू बिल्ड द शिव प्रताप स्मारक एंड वी विल आल्सो पुट अप ए फोटो ऑफ किलिंग ऑफ अफजल खान देन डेफिनेटली आई विल अप्रोच टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मुंबई। ये बताओ कि शिव प्रताप दिन के आज दिन है और जो इंक्रोचमेंट हुआ था वो निकाला है, कबर को कोई हाथ नहीं लगाई है, फिर आप ये क्यों चाहते हो? नहीं, वो शिवाजी महाराज का शुरू से हम रेस्पेक्ट करते हैं इसलिए कि वो जो है रिलीजियस टॉलरेंस पर्सनैलिटी थे, वो मुसलमानों को भी उतनी इज्जत देते थे जो अपने अदर कास्ट वालों को भी देते थे, तो वो आज भी हम जो है शिवाजी महाराज को उसके बारे में तो हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे को क्या तकलीफ हो रही है कि जो शिवाजी महाराज जो स्टैंड लिए थे, जो जीजा माता जी जो बोले थे उसके हिसाब से शिवाजी महाराज इस्लामिक तरीके से बरी करें,
अगर ये लोग इतने होशियार हैं कि शिवाजी महाराज इस्लामिक तरीके से बरी नहीं करे, वो उनका डिसीजन गलत है बोल रहे हैं और सिंगुलर फॉर्म में जो है गाली देते हैं, ये मेरे को तकलीफ ही उसी के एक कारण जो है मैं ये एप्लीकेशन फैला। गाली गलौज हो रही है वो आपको पसंद नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मरे हुए आदमी को क्या गाली देना है बोलिए, 380 साल हो गए आज मर के और उसको जो है सिंगुलर फॉर्म में तुम गाली देते हैं क्या? ऐसा अगर कुछ हम बोले तो सही दिखता है क्या? ये बातें नहीं होना और गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए क्या कर रही है पुलिस डिपार्टमेंट। हाँ पुलिस डिपार्टमेंट इसका फायदा लेकर कुछ अलग जो है लोग हैं उसका फायदा उठाते हैं। नहीं अलग लोग फायदा उठाते हैं तो जो है गवर्नमेंट मिशनरी का काम है, गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करना चाहिए। लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, बॉर्डर स्टेट एक्सचेकर को होता है, तुम जो है 10-10 पुलिस जो है 10-10 साल से तुम जो है वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं, ये भी तुम्हारे को बर्डन हो रहा है, तो साथ में साथ उन्होंने भी जो है गालियां देते हैं करते हैं तो वो सही बात नहीं है बोल के वो मैं एप्लीकेशन दिया। शुक्रिया। आपण पाहू शकतो की शिव प्रतापगडावरील जी अफजल खानाची कबर आहे ती तिथून काढून तुम्ही कर्नाटकमध्ये द्या अशा प्रकारची मागणी अफजल खानाचे 13वे वंशज यांनी केलेली आहे आणि ही मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे आणि साताऱ्यातील जे कलेक्टर आहेत त्यांच्याकडे केली आहे आणि या मागणीसाठी ते हायकोर्टातही जाण्याची तयारी आहे। त्यांचं हे म्हणणं आहे की शिवाजी महाराजांनी जो रिस्पेक्ट केला, जो आदर केला, तिथे कबर बांधली, त्याचा तुम्ही त्याला तुम्ही नावं का ठेवतायत आणि असं होत असेल तर ही कबर तुम्ही माझ्याकडे द्या, आम्ही ती सांभाळून ठेवू। नक्कीच नक्कीच विलास, धन्यवाद या सविस्तर माहितीबद्दल।